हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा दिशा पाटनी और जैकी चैन की जो आने वाली मूवी है कुंग फू योगा के बारे में, क्योंकि हाल ही में उसका ट्रेलर रिलीज किया गया। काफी बड़ा ट्रेलर तो नहीं था, करीबन करीबन 2 मिनट के आसपास का ट्रेलर था। उसमें कुछ बेसिक चीजें मुझे देखने को मिली और बहुत अलग सा एक्शन भी देखने को मिला। आपको पता ही है जैकी चैन की मूवीज कैसी होती है, एक्शन जरूर होता है, साथ में ह्यूमर भी होता है, यानी कॉमेडी प्लस एक्शन मिलके जैकी चैन मूवी। ये फॉर्मूला जैकी चैन पहले से अपनाते आ रहे, उनके स्टार्टिंग डेज से। आप उनकी वन ऑफ द फेमस सीरीज है जो पुलिस स्टोरी है वो भी देखोगे तो पुलिस स्टोरी 1 2 3, सेम यही तरह का फंडा है, हमेशा इसी तरह का काम करते हैं जैकी चैन। और इस फिल्म में भी सेम कंसेप्ट यूज किया गया है, जहाँ पे एक्शन बहुत ज्यादा है और साथ में कॉमेडी भी है, मतलब थोड़ा ह्यूमरस एक्शन है और कॉमेडी है। कहीं ना कहीं मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे दिशा पाटनी कहाँ दिखती है, अमायरा दस्तूर कहाँ दिखती है, और साथ ही साथ मुझे सोनू सूद कहाँ दिखते हैं। मैंने पूरा ट्रेलर देखा, बस कुछ ही सीन्स में दिशा पाटनी का एक रोल है छोटा सा दिखाया है, अमायरा दस्तूर का छोटा सा रोल दिखाया है और सोनू सूद का एक छोटा सा सीन दिखाया है। बाकी पूरे ट्रेलर में सिर्फ जैकी चैन ही छाए हुए, बहुत बड़े एक्टर, सीधी सी बात है, अच्छी बात है। ये इंडो चाइना को प्रोडक्शन मतलब मिलके प्रोड्यूस किया है दोनों कंट्रीज ने, 3 फिल्मों का एग्रीमेंट साइन किया गया। तो उसमें सबसे पहली फिल्म ये है कुंग फू योगा, और इसे जो डायरेक्ट कर रहे हैं स्टैनली टोंग करके डायरेक्टर है, मैं नाम आई होप गलत ना ले रहा हूँ, बहुत सीनियर डायरेक्टर है स्टैनली टोंग, ये फिल्म को डायरेक्ट करे, जिन्होंने पुलिस स्टोरी 3 डायरेक्ट की है जैकी चैन के लिए, द मिथ डायरेक्ट की है 2005 में, और अब 2017 में डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको बता दिया जो नाम था। ये फिल्म रिलीज होगी जनवरी में, आई थिंक रिलीज होगी 26 तारीख को, और एक अच्छा बस तो है फिल्म का। 1-1.5 साल से हमने फिल्म का नाम सुना था, 2-3-4 महीने पहले आई थिंक दिशा पाटनी या बाकी सब क्रू मेंबर्स ने ये कहा था कि हमने फिल्म की शूटिंग रैप अप कर दी है। तो मुझे ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसका जो लेवल था ट्रेलर का, हम हॉलीवुड फिल्म में जो एक्शन देखते हैं उस तरह का एक्शन था, तो वो मुझे अच्छा लगा। और जैकी चैन जैसे हमेशा कहा जाता है कि वो अपने स्टंट्स खुद ही करते हैं, तो सेम उसी तरह स्टंट करते हुए देखे, बहुत सारे सीन थे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जैसे पानी से अंदर से ऊपर जाते हैं बर्फीले पहाड़ों पे, और शेर रहता है बैठा हुआ जैकी चैन की गाड़ी गाड़ी में, और उसके बाद जैकी चैन इधर उधर गाड़ी कैसे कैसे भगाते हैं, बाद में शेर खुद बाहर निकल के उल्टी करने लगता है एट द एंड ऑफ द ट्रेलर। तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्शन प्लस कॉमेडी, अच्छा ट्रेलर है। जैकी जैकी जो दिशा पाटनी है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, अमायरा दस्तूर भी और सोनू सूद भी, भाई पंजाबी मुंडा है भाई, बहुत हैंडसम लग रहे हैं वो भी। और जैकी चैन की क्या बात कही जाए, उन्हें हाल ही में ऑस्कर दिया गया है उनकी अचीवमेंट्स के लिए, इतने साल जो उन्होंने हड्डियां तुड़वाई है, एक्शन किए हैं, हर चीजें की है लाइफ में उसके लिए, तो बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बड़ा को प्रोडक्शन है, और हमेशा से जैकी चैन अपने क्रू मेंबर्स को खुश करते हुए दिखाई दिए हैं। और सोनू सूद ने भी कहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ सीखा है जैकी चैन से, तो एक अच्छी दोस्ती है सभी में, और देखते किस तरह से फिल्म कमाल करती है। फिल्म के शायद गाने होंगे वो आएंगे तो आपको जरूर बताऊंगा, आपको ट्रेलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, बट आई होप आपको वो समझ में आए, क्योंकि मुझे ट्रेलर का क्या बोला कुछ ही समझा, अलग ही लैंग्वेज में था, आई थिंक चाइनीज था या तो मैंडेरियन लैंग्वेज में था। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। एक चीज तो बताना भूल ही गया भाई, इस स्टोरी इसमें कुछ ऐसा है कि आर्कियोलॉजिकल प्रोफेसर का रोल शायद प्ले कर रहे जैकी चैन, और उन्हें मगधा का एक जो ट्रेजर है वो घूम गया रहता है, और उसे तिब्बत में आके खोजते हैं वो, और इंडिया के बंदों की मदद लेते हैं, या कि इंडिया के आई थिंक बंदा कौन सा होगा आपको पता ही है, सोनू सूद होगा, उनके साथ मिलके फिर ढूंढते हैं। तो जो भी एक्शन है वो सब से जुड़ा, मतलब फिल्म उसके इर्द गिर्द ही मतलब घूमती है, तो इस तरह ऐसा कुछ ट्रेलर के जरिए पता चला है, स्टोरी के जरिए देखते हैं किस तरह की चीजें आगे निकल के आती है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।